दोस्तों वेलकम टू आजी सोनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों अभी बज रहे हैं, सभी बज रहे हैं 9 और हम लोगों ने अपना मेरा बेटा के देखे यहाँ पे युवान युवान हाय बोलो हाय बोलो हाय हाँ। तो दोस्तों समय चला गया है स्कूल और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो मैंने अपना नाश्ते में रोटी की तैयारी कर ली है। आज थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि इनके पापा को ड्यूटी जाना है, तो इसलिए मैं आज खाना दाल चावल मैंने बना लिया जल्दी जल्दी और सिर्फ रोटी बनाना है। और आज हम बहुत शॉर्टकट वाला नाश्ता बनाएंगे, दही बैगन। तो चलिए दिखाएंगे आपको उनकी रेसिपी। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट, उसके बाद हम बनाते हैं दही बैगन की रेसिपी। यहाँ छोटू को आलू प्याज के साथ खेल रहा है। बाबू क्या करो बेटा, क्यों काम बढ़ा रहे हो? क्या करना आलू प्याज के साथ? मैंगो। मैंगो नहीं है, ऑनियन। ऑनियन क्या कर रहा बेटा आलू प्याज के साथ? मैंगो नहीं बेटा, ऑनियन। हाँ दोस्तों, यहाँ छोटू है ना, मेरा काम को हल्का कर रहा है। बाबू प्याज छिल रहे हो? मैंने देखा कि छोटू मेरे किस तरह से मदद कर रहा है, मेरे लिए सब्जी के लिए प्याज छिल दे रहा है ना बेटा, है ना, है ना। तो ये इंगेज है दोस्तों, तो यहाँ पे तो चलिए हम लोग यहाँ पर। मेरी रोटी खराब हो गई आपसे बात करने के, ये भी मेरी रोटी थोड़ी हो गई। तो चलिए दोस्तों बना लेती हूँ रोटी, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने अपनी सारी रोटियाँ बना कर तैयार कर ली है फटाफट। मात्र 10 मिनट मुझे लगे 15 रोटी को बनाने में। तो यहाँ मेरी सारी रोटियाँ बन के हो गई है तैयार। अब चलते हैं हम दही बैगन बनाने के लिए। तो इसके लिए हम बैगन निकाल लेंगे, पहले इन रोटियों को अच्छे से ये कर लूँ, रख दूँ। उसके प्लेट रख के रखेंगे दोस्तों, अदरवाइज रोटी मेरी हो जाएगी ख़राब, मेरी रोटी हो जाएगी। नीचे वाली रोटी होती है ना जो दोस्तों भीग जाती है, तो मैंने नीचे यहाँ पे कटोरा रख दिया है और उसके ऊपर मैंने रोटी रख दी है। तो अब इसे ढक देंगे और चलिए बनाते हैं दही बैगन। दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने लिया है दही, और दही बैगन बनाने के लिए हमें दही चाहिए और बैगन चाहिए। तो आप ये मत सोचें कि बैगन को हम यूँ ही डाल देंगे, उसके इसके अभी बनाना बाकी है। तो पहले मैं इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अभी मैं नमक कम डाल रही हूँ दोस्तों, फिर मैं डालूँगी मुझे जैसा लगेगा। यहाँ गोलकी, जीरा, धनिया और मिर्च का पाउडर, गोलकी, जीरा, धनिया और मिर्च का पाउडर है दोस्तों ये। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी दोस्तों यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, ये लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ डाल रही हूँ, ये काला नमक है तो मैं थोड़ा इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं डालूँगी दोस्तों इसमें पानी, बस इतना ही रखना है। अब इसे क्या करेंगे, इसे फेंटना है। कर ले, देखिए ये मेरा तकरीबन हो गया है, बन गया है तैयार। तो अगर आपको इसमें नमक कम लगे, आप चेक करके देख सकते हैं, इसमें मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है, तो क्या है ना, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। ये देखिए, तो अब ठीक हो गया है। अब मुझे लगे कि ये थोड़ा और गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। तो चलिए हो गया तैयार, अब हम लोग चलते हैं बैगन की तरफ। देखिए, यहाँ मैंने छौंका लगाने के लिया है सूखी मिर्च, मैंने इसे तोड़ा नहीं है। और यहाँ लिया है 1 टीस्पून सरसों, और यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ लिया है हींग। तो इनका अब हम लगाएंगे छौंका। यहाँ मैंने कढ़ाई को बैठा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल, और इसमें जैसे ये गर्म हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें आपका हींग वाला छौंक। दोस्तों जैसे वहाँ पे छौंका तैयार होगा, उससे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। बैगन को मैंने धो के अच्छे से निकाल लिया है, मैंने डाल दी है थोड़ी हल्दी, और डाल रही हूँ मैं नमक, क्योंकि नमक मैंने दही में भी डाला है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से ही डालना है, नहीं तो नमक ज़्यादा होने का चांसेस है। तो मैं अब इसमें कर दूँगी इन सबको मिक्स।
इसे अच्छे से लगा लेना है पूरे बैंगन में। इसे हल्दी और नमक को अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। इसे दोस्तों हम लोग बैंगन का भाजा भी बोलते हैं, मुझे बहुत ये बहुत पसंद है। जब भी बहुत सिंपल खाने का मन करता है तो हम लोग यही बना लेते हैं, टाइम कम रहता है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और आप इसे मात्र 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ हो गया है ये तैयार, अब हम इसमें डाल देते हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये अपना ये वाली, ये इसका लग जाएगा दोस्तों छौंका। जैसे छौंका लग जाएगा हम लोग इसे दही में डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लगा लिया है छौंका, अब हम लोग तलते हैं बैंगन को। यहाँ देखिए मैंने बैंगन को ले लिया है, अब कुछ नहीं सारे बैंगन को मैंने इसमें डाल देना है। बस इतना ही काफ़ी है, अब इसे जैसे तल के निकालूंगी अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसे बैंगन में डाल। दोस्तों देखिए यहाँ मैंने बैंगन को तल लिया है, अब मैं इस बैंगन को डाल दूंगी इस दही वाले रस पे। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है ये मेरी हो गई है दही बैंगन की रेसिपी। दोस्तों इसे गरम गरम बहुत अच्छा इंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगता है, गरम गरम इंजॉय करने से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये मेरी रेसिपी हो गई है दही बैंगन की, खाइए बहुत टेस्टी रहता है, चावल के साथ रोटी के साथ आपको बहुत डिलीशियस लगेगा। कोशिश करते हो कि आपको अच्छा लगे तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। पापा यहाँ खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ 2 प्लेट निकाल लिए हैं दोस्तों। यहाँ मैंने 2 प्लेट निकाल लिया, एक मेरे बाबा जी के लिए और एक पापा जी के लिए, तो चलिए निकाल देते हैं इनका नाश्ता। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पापा जी के लिए नाश्ता और बाबा जी के लिए नाश्ता मैंने निकाल दिया है, तो चलिए हम लोग पहले बाबा जी को चढ़ा देते हैं उसके बाद पापा जी को नाश्ता देते हैं। तो ये हमारे बाबा जी, तो इनका मैं लगा दूंगी भोग। ओम साई राम, ओम साई राम। और ये रहा पापा जी का नाश्ता। दोस्तों देख बताइएगा बना करके कि कैसा लगा आपको ये नाश्ता। पापा जी आप भी जरूर बताइएगा। खाने के बाद हाँ देखने के बाद थोड़ी ना, देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखने से बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों पापा जी को, और खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे किसी अच्छे फ्रेंड ने कहा था कि जो खाना देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शॉर्ट टाइम रेसिपी, जब आपको कुछ बनाने का मन ना हो बहुत जल्दी जल्दी हो तो आप ये बना सकते हैं। और यहाँ बाबू भी नहा करके आ गया है दोस्तों देखिए, तो चलिए हम लोग इसे पहले तैयार कर देते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं नाश्ता, कैसा लगा आपको, कैसा है? बहुत अच्छा ना।